9 अगस्त को संसद में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने संसद में अडानी और वाड्रा की तस्वीर दिखाकर कांग्रेस पर हमला किया, लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कूद पड़े हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। वाड्रा ने कहा, स्मृति ईरानी को उनके नाम का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए। वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, स्मृति ईरानी संसद में गौतम अडानी के साथ मेरे फोटो दिखा रही थी। अगर मैंने अडानी के साथ मिलकर कुछ गलत किया है तो वो सबूत दें। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में बात नहीं करते। मैं सांसद नहीं हूँ, फिर मेरे बारे में चर्चा करते हैं। मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, लेकिन जब सत्तारूढ़ दल जब उनका नाम किसी मामले में घसीटता है तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री की भी गौतम अडानी के साथ की तस्वीरें हैं। हमें इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? राहुल गांधी इस पर संसद में कई सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। वाड्रा ने कहा, स्मृति जी, आपके और आपके परिवार से जुड़ी कई और विवाद भी हैं। गोवा में स्मृति ईरानी का रेस्टोरेंट है। आपके डिग्री पर भी कई विवाद हैं। पहले आप उस पर सफाई दीजिए और फिर दूसरों पर उंगली उठाइए। 9 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लिया था। जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा था, ये कब से अडानी अडानी कर रहे हैं, थोड़ा अब मैं भी बोल दूं, फोटो मेरे पास भी है। स्मृति बोली, अगर अडानी इतने ही खराब हैं तो रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ फोटो में क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।